ओके सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कंसेप्ट है, वीडियो का टाइटल तुमने देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज़ करने वाला हूँ, सभी का लिंक आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस, आज की जो हमारी वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। फिर उसके बाद गाइस, सबसे को फिर क्या करना है, आप सभी को चले जाना है यहाँ से ऐड फोटो में। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को यहाँ पे अपने मॉडल को ऐड करना है। ठीक है गाइस, तो मॉडल का जो कटआउट है मैंने पहले से कर रखा है, एंड जिसको कटआउट करना नहीं आता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक दे रखी है मैंने। ठीक है गाइस, उस वीडियो को वॉच कर लेना, आपको इजीली समझ आ जाएगा। फिर यहाँ पे गाइस, मॉडल को ऐड करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर डन वाला ऑप्शन में क्लिक करके डन कर देना है। फिर उसके बाद गाइस आप सबको चले जाना है टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद जाना फिर एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद आपको सैचुरेशन वाले ऑप्शन में जाकर इसकी सैचुरेशन बिल्कुल माइनस कर देना है। एंड उसके बाद आप सबको इरेजर टूल में जाना है। एंड उसके बाद आपको गाइस, इरेजर टूल में जाने के बाद आपको इरेजर सेलेक्ट करना है। नीचे का जितना भी एरिया है गाइस, फेस को छोड़ के बाकी हर जगह का एरिया जो है आप सभी को इरेज कर देना है। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स ऐसे इरेज कर देना है। एंड उसके बाद आप सबको फिर क्या करना है, तो इसको हम यहाँ से प्रॉपर पहले इरेज कर लेते हैं। ठीक है, बियर्ड वगैरह को भी देख लेना गाइस ध्यान से थोड़ा। फिर उसके बाद आप सभी को इरेज करना है। ठीक है, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा इरेज हो गया, तो उसको मैं पहले फिल कर देता हूँ। एंड उसके बाद गाइस, यहाँ पे परफेक्ट है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे हम इसे कर देंगे डन। ओके सो अब चाहो तो उसकी ओपेसिटी कम भी कर सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी है, बट इसको अभी हम डन करते हैं। सो गाइस, उसके बाद आप सबको फिर क्या करना, आप सबको चले जाना ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सबको यहाँ पीएनजी मिल जाएगा। आपको क्या करना है, आप सबको इसको सिंपली फुल स्क्रीन कर देना है, एंड कुछ स्टेप्स ऐड कर देना है। एंड उसके बाद आप फिर क्या करेंगे गाइस, हम इसका ले जाएंगे यहाँ पे ब्लेंड में। ब्लेंड में ले जाने के बाद गाइस, आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको ओवरले भी कर सकते हो। ठीक है, बट मैं यहाँ पे ओवरले रखूँगा। एंड उसके बाद यहाँ पे ओवरले रखने के बाद आप सबको फिर क्या करना है, आप सबको जाना है ऐसे एडजस्ट वाले ऑप्शन में। ठीक है, क्योंकि इसमें से थोड़ा सा ना इसका जो कलर है वो मैच करना है, तो एडजस्ट में जाएंगे। एडजस्ट में जाने के बाद आपको जाना है कॉन्ट्रास्ट में। कॉन्ट्रास्ट को जाने के बाद आप सभी को इसको माइनस कर देना है कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप से हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि एकदम परफेक्ट तरीके से ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को इसको थोड़ा सा जो हाईलाइट है इसको थोड़ा कम ज़्यादा करके देखना है, बट इसको कम रखना है। ठीक है, एंड ये शेडो में जाना है। ठीक है, एंड शेडो को जो ऊपर की तरफ नीचे की तरफ माइनस कर देना है इसे भी। एंड यहाँ पे गाइस, आप सभी को अप कर देना है डन। ठीक है, इतना कर देने के बाद डन कर देना है। एंड उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को चले जाना है ऐसे दोबारा ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को एक आई का पीएनजी मिल जाएगा गाइस। ठीक है, तो ये वाला पीएनजी आप सभी को लेना है, आई लेंस का पीएनजी। उसके बाद आपको फोटो को जूम करना है अपना। ठीक है, जितना हो सके उतना जूम कर लेना। एंड उसके बाद आपको इसको परफेक्ट तरीके से कुछ स्टेप से ऐड कर देना है। ठीक है, ऐसे। एंड अब इसमें हमें थोड़ा कुछ पार्ट इरेज भी करना है, तो कैसे इरेज करना है वो मैं बता देता हूँ आप सभी को। यहाँ से क्या करना है, इरेजर टूल में जाना है, इरेजर पर क्लिक करना है। एंड हार्डनेस चाहो तो फुल भी रख लेना, अब अदरवाइज जितना रहे उतना भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ऊपर ऊपर से इरेज कर लेना है। एंड उसके बाद फिर क्या करना है, आप सभी को फोटो को जूम करना है। एंड उसका यहाँ पे कुछ इस टाइप से, एंड इसकी जो ओपेसिटी है वो रखना है अराउंड आपको 50 तक। ठीक है, तो इसकी ओपेसिटी हम 50 तक रख लेते हैं। एंड उसके बाद क्या करेंगे, फिर इसका हम इसका डुप्लीकेट कर लेंगे। ठीक है, इसका डुप्लीकेट करके सेम इसी को हम उस वाले आई पे भी लगा देंगे। ओके सो इसके बाद आपसी को फिर क्या करना है, इतना हो जाने के बाद आप सबको यहाँ पे इस फोटो को थोड़ा इधर कर लेते हैं हम इसे। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे परफेक्ट है। अब गाइस हम इस फोटो को यहाँ पे सिंपली डन कर देंगे। ठीक है, एंड उसके बाद आप सबको फिर क्या करना है, आप सबको यहाँ पे जो फिर दोबारा ऐड फोटो में जाना है। यहाँ से आप सबको एक विगनेट का पीएनजी मिलेगा, फिर इसको आप सबको फुल साइज करके कुछ इस टाइप से ऐसे ऐड कर देना है। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे आप सबको कर देना है डन। ठीक है, इतना कर देने के बाद गाइस आप सबको फिर क्या करना है, आपको फिर इस फोटो को यहाँ पे गाइस सेव कर लेना है। एंड उसके बाद आप सबको फिर क्या करना है, आप सबको इसको लेकर चलना है लाइट रूम ऐप के अंदर। ठीक है, तो लाइट रूम ऐप में ले जाने के बाद आप सबको फिर क्या करना है, आप सबको इस लाइट वाले ऑप्शन में जाना है, इसका कॉन्ट्रास्ट जो आगे इधर बढ़ा देना है, जिसका हाईलाइट होगा गाइस जिसको प्लस कर देना। एंड उसके बाद जिसका शेडो होगा इसको गाइस थोड़ा माइनस के प्लस की तरफ रख लेना। एंड इसका जो व्हाइट होगा इसको हल्का सा माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर इसका जो ब्लैक होगा इसको थोड़ा कम कर देंगे। एंड जाएंगे यहाँ से गाइस कलर्स वाला ऑप्शन है, फोटो की जो वाइब्रेशन होगी हम इसको बढ़ा देंगे। एंड जिसका गाइस टेम्परेचर होगा उसको हल्का सा कम कर देंगे। फिर जाएंगे गाइस हम यहाँ से कलर मिक्स में ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद इसका ह्यू हम थोड़ा माइनस कर देंगे, एंड सैचुरेशन जो है हम प्लस कर देंगे। ठीक है, एंड उसके बाद आप सबको फिर क्या करना है, थोड़ा सैचुरेशन और कम कर देते हैं। एंड उसके बाद जाना ग्रीन कलर में इसका ह्यू बढ़ा देंगे। ठीक है, एंड जिसका सैचुरेशन होगा इसको भी बढ़ा देंगे। एंड जिसका ल्यूमिनस होगा इसको भी हम थोड़ा बढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे परफेक्ट है। अब गाइस आपसे को क्या करना है, आपको जाना है डार्क ब्लू में, इसका ह्यू थोड़ा सा माइनस प्लस की तरफ रख देना है। एंड इसका जिसका सैचुरेशन होगा इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपसे को अप कर देना है डन। ठीक है, फिर इसके बाद चले जाना आपको नीचे वाले टूल में, फोटो की जो गाइस क्लियरिटी होगी आपको उसको इंक्रीज कर देना है। जो फोटो में विगनेट होगा वो डाल देना हल्का सा। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे को क्या करना, नीचे स्क्रॉल करना, आपको यहाँ पे मिलेगा ग्रेन अमाउंट, आपसे उसको बढ़ा देना है। एंड उसके बाद यहाँ पे नीचे वाले टूल में जाना है, जो फोटो की शार्पनेस होगी जिसको बढ़ा देना है। जो नोटिफिकेशन होगा आपको उसको बढ़ा देना है। एंड जो कलर नोटिफिकेशन होगा आप सभी को उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली जो फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने है। तो गाइस आशा करता है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी।
वीडियो पसंद आए तो और वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए गाइस, मिलता हूँ सबसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।